इट्स टाइम टू व्यू बॉलीवुड की टॉप सिक्स न्यूज। ऋतिक रोशन और कंगना के पहले लीगल और बाद में ईमेल वॉर के बाद दोनों की एक कैंडिड पिक्चर रिवील की गई है। दिस वॉज बाउंड टू हैपन। फायरी कंगना रनौत वॉज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। कंगना की एक क्लोज फ्रेंड ने इस पिक्चर को जग जाहिर किया है, साथ ही बताया है कि ये पिक्चर अर्जुन रामपाल के घर में पार्टी के दौरान ली गई थी। द पिक्चर क्लियरली सजेस्ट दैट ऋतिक वॉज नॉट जस्ट फ्लर्टिंग विद कंगना बट गोइंग ऑल आउट टू गेट क्लोज टू हर। फिल्म मेकर रॉन हावर्ड्स फोर्थकमिंग फिल्म स्टारिंग टॉम हैंक्स एंड इरफान विल रिलीज इन इंडिया ऑन अक्टूबर 14th दिस ईयर, जबकि इसी फिल्म को US में दो हफ्ते बाद 28th अक्टूबर को दिवाली के करीब रिलीज किया जाएगा। ये डिसीजन इस वजह से लिया गया है ताकि इरफान की ये फिल्म किसी बॉलीवुड फिल्म की रिलीज डेट से क्लैश ना हो। As you know, वरुण धवन सलमान खान की जुड़वा के सीक्वल में नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन वरुण के पापा डेविड धवन करेंगे और जुड़वा के सीक्वल में वरुण धवन विल ग्रूव टू टू वेरी पॉपुलर सलमान खान सॉन्ग्स। ऊंची है बिल्डिंग एंड चलती है क्या 9 से 12। आज भी इन दोनों गानों का क्रेज कम नहीं हुआ है। That's the reason makers decided to incorporate these two songs in the sequel. Huma Qureshi has auditioned for the franchisee The Mummy opposite Tom Cruise. खबर थी कि she's playing the female lead and has already shot for it with Tom. She's playing an archaeologist with knowledge about ancient Egypt. लेकिन पता चला है कि फिलहाल द मम्मी में हुमा लीड रोल में तो नहीं है। शाहरुख खान इन दिनों है बैड मूड में, वो भी हर वक्त, जिसकी वजह से फिल्म रईस के सेट पर रईस की पूरी टीम SRK से डरी और सहमी रहती है। रीजन है फिल्म रईस की शूटिंग। SRK की माने तो रईस में उनका रोल कुछ इसी तरह का है और SRK कैरेक्टर में इस तरह डूब जाते हैं कि जब तक ऑन सेट होते हैं वो कैरेक्टर से निकल नहीं पाते। फिल्म अजहर की लीड हीरोइंस प्राची देसाई और नरगिस फाखरी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। खबर है कि प्राची को नरगिस का फिल्म के ट्रेलर में उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलना फूटी आँख नहीं भा रहा। अजहर में प्राची जहां अजरुद्दीन की वाइफ के रोल में है, वहीं नरगिस संगीता बिजलानी के किरदार में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माय बॉलीवुड।